और देखिए कीव पर बैक टू बैक अटैक का यूक्रेन ने बदला लिया है और रूस की राजधानी मॉस्को पर फिर से अटैक किया है। यानी कि वो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। यूक्रेन की ओर से मॉस्को पर ड्रोन हमला, रूस ने कीव के कई इलाकों पर हमला किया था और रूस ने लगातार 10 हमलों से कीव को दहलाया था। और अब देखिए खबर आ रही है, बात सामने आ रही है कि यूक्रेन ने उसका बदला लेने की कोशिश की है फिर से। और देखिए रूस में बड़े पैमाने पर ड्रोन की ट्रेनिंग चल रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया है। चीन से ड्रोन मंगाकर रूस दे रहा है अपने जवानों को ट्रेनिंग, यानी चाइनीज ड्रोन से उनको ट्रेन किया जा रहा है। और ड्रोन के इस वॉरफेयर में कैसे इस्तेमाल, बेहतर इस्तेमाल, ज्यादा सटीक इस्तेमाल किया जा सके, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिन ड्रोन्स को लाया गया है और ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए जैसा कि सारे एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि इस युद्ध के दौरान जो सबसे दिलचस्प या नए प्रयोग की बात करें, ड्रोन का इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल, ये अपने आप में मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया चेहरा है और इसको लेकर तैयारियां भी हुई हैं। रूस को भी अलग अलग देशों से ड्रोन्स मंगाने पड़े हैं क्योंकि रूस को भी उम्मीद नहीं थी कि ड्रोन्स का ऐसा इस्तेमाल होगा। अब काउंटर करने के लिए, अब जवाब देने के लिए और सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल रूस की तरफ से भी किया जा रहा है। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष, यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि ड्रोन्स को लेकर रूस की पॉलिसी में क्या बड़ा परिवर्तन आप देख रहे हैं युद्ध के पहले और अब युद्ध के दौरान? देखिए युद्ध के दौरान ड्रोन की उपलब्धता बहुत ज़्यादा बढ़ी है, दोनों साइड में बढ़ी है और तरह तरह के ड्रोन हम देख रहे हैं और उसमें कुछ बहुत ऐसे भी ड्रोन हैं जो चाइना से मंगाए जाते हैं, जासूसी पर्पस से किए जा रहे हैं। अब उससे निपटने के लिए, आपको याद होगा कि मैं फ्रंट लाइन पर था अवदीवका के पास, तो एंटी ड्रोन जो गन है वो सब बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ दिखते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है आपको किसी ड्रोन को गिराने के लिए, अगर आप एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात जो है टेक्नोलॉजी के तौर पर, जैसे मैं अभी कहूँ कि मैं क्रेमलिन के पास हूँ, यहाँ टैक्सी बुक करने में भी अब दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि नेविगेशन के साथ छेड़छाड़ की गई है ताकि ड्रोन एग्जैक्ट क्रेमलिन या आसपास के अहम जगह पर नहीं आ सके। तो इस तरह की चीजें चेंज की जा रही है, बहुत सारे पॉलिसी में चेंज किया गया है जुलाई तक। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी जानकारी मनीष आप दे रहे हैं कि जो नेविगेशन है उसमें भी दिक्कत हो रही है क्योंकि लोकेशंस को चेंज किया गया ताकि मॉस्को के क्रेमलिन के करीब कोई भी ड्रोन ना आ सके, उसे उस तरीके से उस मैपिंग के जरिए उस लोकेशन को पिन पॉइंट ना कर सके। हम लौटेंगे मनीष आपके पास।